गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए हम पढ़ा रहे थे आपको खरपतवारों का वर्गीकरण। तो इनका वर्गीकरण में सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था हमने जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर। तो जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कितने प्रकार से बताया था हमने, देखो एक वर्षीय है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और तीसरा था बहुवर्षीय। ये तीन प्रकार बताए थे। एक वर्षीय में हमने क्या बताया था आपके लिए, एक वर्षीय में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, एक वर्षीय में खरीफ के और रबी के खरपतवार, एक वर्षीय में आ जाते हैं खरीफ के और रबी के खरपतवार। फिर बहुवर्षीय में बताया था हमने आपके लिए, बहुवर्षीय में क्या आता है, काष्ठल और शाकीय, काष्ठल खरपतवार, काष्ठल खरपतवार और शाकीय, शाकीय खरपतवार। काष्ठल खरपतवार में बताया था इनके कठोर तना होते हैं, इनके मुलायम होते हैं। तो बहुवर्षीय में दो प्रकार के और एक वर्षीय में दो प्रकार के होते हैं। तो ये फर्स्ट प्रकार हुआ हमारा कौन सा, कि खरपतवारों का वर्गीकरण किया हमने किसके आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर। अब सेकंड प्रकार से इसका वर्गीकरण करेंगे हम किसके आधार पर, बीज पत्र के आधार पर, वा नंबर डालेंगे और किसके आधार पर, बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण, तो बीज पत्र के आधार पर करेंगे। तो बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है। अब वो दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है भाई एक बीज पत्री, एक बीज पत्री खरपतवार, और एक सेकंड होता है द्विबीज पत्री खरपतवार, द्विबीज पत्री खरपतवार। अब एक बीज पत्री खरपतवार किसे कहते हैं, वे खरपतवार के बीज होते हैं इसमें, जिन्हें हम दालों की भांति दो भागों में हम नहीं विभक्त कर सकते, वो तो कहलाएंगे भाई कौन से, एक बीज पत्री खरपतवार, जिनको दाल के समान, जिनके बीजों को दाल के समान दो भागों में आसानी से नहीं बांट सकते, उन्हें तो कहते हैं एक बीज पत्री खरपतवार। और दूसरा आता है हमारा वे खरपतवार के बीज जिन्हें दाल के समान दो भागों में आसानी से विभक्त किया जा सकता है, उसे कहते हैं द्विबीजपत्री खरपतवार। तो इनके बारे में अब लिखेंगे, बीजपत्र के आधार पर इसमें लिखेंगे बीजपत्र के आधार पर खरपतवारों को, खरपतवारों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग कौन कौन से हैं, फर्स्ट तो है एक बीज पत्री खरपतवार, कौन सा है, एक बीज पत्री खरपतवार। तो एक बीज पत्री खरपतवार हम किसे कहते हैं, वे खरपतवार जिनके बीजों को, जिनके बीजों को
किसके खरपतवारों के? वे खरपतवार जिनके बीजों को दाल के समान दाल के समान दो भागों में नहीं बांटा जा सकता, उन्हें एक बीजपत्री खरपतवार कहते हैं। एक बीजपत्री खरपतवार में क्या होता है? वे खरपतवार जिनके बीजों को दाल के समान दो भागों में नहीं बांटा जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? एक बीजपत्री खरपतवार कहते हैं। जैसे मोथा कांस, हिरनखुरी आदि। ये जो खरपतवार हैं, इनके बीज को हम आसानी से दो भागों में विभक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन जो खरपतवारों को क्या कहा जाता है? एकबीजपत्री खरपतवार कहा जाता है। एकबीजपत्री खरपतवार किसे कहते हैं? वे खरपतवार जिनके बीजों को दाल के समान आसानी से दो भागों में नहीं बांटा जा सकता, उन्हें एकबीजपत्री खरपतवार कहते हैं। जैसे मोथा है, कांस है, हिरनखुरी है, इनके बीजों को हम दो भागों में नहीं बांट सकते हैं। सेकंड आता है हमारा द्विबीजपत्री खरपतवार। द्विबीजपत्री खरपतवार तो वे खरपतवार जिनके बीजों को दाल के समान आसानी से दो भागों में बांटा जा सकता है, उन्हें द्विबीजपत्री खरपतवार कहा जाता है। द्विबीजपत्री खरपतवार अब किसे कहते हैं? वे खरपतवार जिनके बीजों को दाल के समान आसानी से दो भागों में बांटा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री खरपतवार कहते हैं। जैसे बथुआ मकोए बथुआ का एक पौधा होता है 5000 बीज उत्पन्न करता है, और मकोए का होता है ये 1.5 करोड़ बीज उत्पन्न करता है। तो ये सबसे ज़्यादा खरपतवार के पौधों को फैलाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। सबसे ज़्यादा इनके बीज पाए जाते हैं, एक पौधे के अंदर 5000 बीज होते हैं बथुआ में, और उसमें 1.5 करोड़ के लगभग होते हैं मकोए में। तो इनके जो बीज होते हैं, इनको आसानी से दो भागों में अपन बांट सकते हैं। एक होती सत्यानाशी, ये सत्यानाशी जो खरपतवार होता है ये सरसों में पाया जाता है। सत्यानाशी इसका बीज होता है बिल्कुल सरसों के समान होता है, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। और इसका जो बीज होता है वो जब सरसों में मिल जाता है, सरसों के साथ जब पिसाई की जाती है, तेल निकाला जाता है, तो उससे हम मनुष्य के लिए बीमारी उत्पन्न हो जाती है। सत्यानाशी के बीजों को जब तेल के साथ में निकाल दिया जाता है, सरसों के तेल के साथ में, तो ये बहुत हानिकारक होता है। सत्यानाशी बिल्कुल कोई ऐसा खरपतवार है जो सरसों के बीजों के समान
दिखाई देता है। तो इनके जो बीज होते हैं इनको हम आसानी से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे चने की दाल होती है ना, चना होता है, उसको जब तोड़ते हैं तो वो आसानी से दो भागों में बट जाता है, जिसे दाल के दोल कहते हैं, दोल। तो इसी प्रकार से इनके यदि बीज को तोड़ा जाए तो ये आसानी से दो भागों में डिवाइड हो जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, द्विबीजपत्री खरपतवार कहा जाता है। अगला देखेंगे खरपतवार फसल संबंध के आधार पर। ये दो प्रकार से वर्गीकरण हो गया, एक तो हो गया जीवन चक्र के आधार पर और दूसरा हो गया बीजपत्र के आधार पर। बीजपत्र के आधार पर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब तीसरा देखेंगे फसल संबंध के आधार पर, सा नंबर डाल के खरपतवार फसल संबंध खरपतवार फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। खरपतवार फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। अब खरपतवार फसल संबंध के आधार पर किस प्रकार से देखेंगे इनको, किस प्रकार, जैसे निरपेक्ष खरपतवार होता है, सापेक्ष होता है, फसलों के साथ उगने के आधार पर देखेंगे इसमें। तो खरपतवार फसल संबंध के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है, खरपतवार फसल संबंध के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा गया है, निम्न वर्गों में बांटा गया है। अब खरपतवार फसल संबंध का मतलब है फसल के साथ में कोई भी खरपतवार होएगा तो उसका किस प्रकार से संबंध प्रदर्शित करता है, फिर उसे हम क्या कहते हैं, तो इसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले है निरपेक्ष खरपतवार। अब इसमें देखेंगे कि निरपेक्ष खरपतवार हम किसे कहते हैं, कौन से खरपतवार को हम निरपेक्ष खरपतवार कहते हैं, वो किस प्रकार का होता है। तो वे खरपतवार पौधे जो अपना जीवन चक्र बे खरपतवार पौधे जो अपना जीवन चक्र अधिक वर्षों में पूरा करते हैं, और फसल की उपज को कम कर देते हैं और फसल की उपज को कम कर देते हैं फसल की उपज को कम कर देते हैं उन्हें निरपेक्ष खरपतवार कहते हैं, उन्हें निरपेक्ष खरपतवार इसका मतलब है भी खरपतवार पौधे जो अपना जीवन चक्र अधिक वर्षों में पूरा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निरपेक्ष खरपतवार। जैसे कृष्ण नील
मूथा, हिरणखोरी, कृष्ण नील, मूथा, हिरणखोरी, गाजर घास, आदि। इसका मतलब है कि ये बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं। कैसे होते हैं? बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं जो अपना जीवन चक्र अधिक वर्षों में पूरा करते हैं। यदि ये खरपतवार किसी फसल में उगाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष खरपतवार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? निरपेक्ष खरपतवार कहते हैं। निरपेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं? दोबारा देखेंगे, वे खरपतवार पौधे जो अपना जीवन चक्र अधिक वर्षों में पूरा करते हैं और फसल की उपज को कम कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निरपेक्ष खरपतवार। इसका मतलब अपना जीवन चक्र बहुत अधिक वर्षों में पूरा करते हैं, जैसे कृष्णनील है, मूथा है, हिरणखोरी है, गाजर घास है। ये खरपतवार कौन से कहलाते हैं? कोई सी फसल में उग जाएँ, जैसे गेहूँ की उग जाएँ या फिर अपनी सरसों की उग जाएँ, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? निरपेक्ष खरपतवार। इसके बाद में आता है सापेक्ष। सापेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं? तो सापेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं? वे खरपतवार पौधे जिनकी किसान बुवाई नहीं करता, वे स्वयं उगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। इसमें लिखेंगे, वे खरपतवार पौधे जिनकी किसान बुवाई नहीं करता लेकिन वे स्वयं उगाते हैं सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। जैसे गेहूं में, क्यों गेहूं की फसल होती है, उसमें गेहूं में चना सरसों मटर आदि का उग आना क्या कहलाता है? सापेक्ष खरपतवार कहलाता है। देखिए, सापेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं? वे खरपतवार पौधे जिनकी किसान बुवाई नहीं करता लेकिन वे स्वयं उगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सापेक्ष खरपतवार कहते हैं, सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। अब देखिए, हमने बोया अपनी फील्ड के अंदर भाई गेहूं, क्या बोया? गेहूं बोया हमने, और इसके अंदर एक ही फसल बोई ना हमने, गेहूं। अब उसमें कोई पौधा चने का उग गया, कोई सरसों का उग गया, कोई मटर का उग गया, अन्य फसल का और उगाया, जो मुख्य फसल थी उसके साथ में किसी अन्य फसल का पौधा और उग जाता है, तो उसको हम कहते हैं सापेक्ष खरपतवार। उस पौधे को क्या कहते हैं? सापेक्ष खरपतवार पौधा कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल बोई, उसमें चना या सरसों या मटर का कोई पौधा उग जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। आगे लिखेंगे, नकलची या अनुकारी खरपतवार। तीसरा,
नकलची या अनुकारी खरपतवार। नकलची या अनुकारी खरपतवार। नकलची या अनुकारी खरपतवार। नकलची इसका मतलब समान, नकलची का मतलब उसी के समान, नकल का मतलब जैसे हम कोई विद्यार्थी है किसी स्टूडेंट के पेपर में से वो अपना आंसर भी लिख रहा है तो इसी के समान। नकल का मतलब होता है ये व्यक्ति जो एग्ज़ाम में लिख रहा है उसमें से यदि ये व्यक्ति देख रहा है, देख करके उसको उतार रहा है तो उसी के समान, इसका मतलब होता है नकल का मतलब उसी के समान। तो नकलची का अर्थ ये होता है दूसरा है उसी के समान दिखाई देगा। और ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या होता है। नकलची अथवा अनुकारी खरपतवार, वे खरपतवार पौधे जो बाह्य आकार में, वे खरपतवार पौधे जो बाह्य, बाह्य कहते हैं बाहरी, बाह्य आकार, भी खरपतवार पौधे जो बाह्य आकार में फसलों के पौधों से, बाह्य आकार में फसलों के पौधों, बाह्य का मतलब बाहरी आकार, बाह्य आकार में फसलों के पौधों से मिलते जुलते दिखाई देते हैं, बाह्य आकार में मिलते जुलते दिखाई देते हैं, मिलते जुलते दिखाई देते हैं और उन्हें पहचानना कैसा होता कठिन। मिलते जुलते दिखाई देते हैं, उन्हें पहचानना कठिन होता है, मिलते जुलते दिखाई देते हैं, उन्हें पहचानना, उन्हें पहचानना कठिन होता है, उन्हें पहचानना कठिन होता है। नकलची या नकलची खरपतवार कहलाते हैं। नकलची खरपतवार कहलाते हैं। देखिए नकलची अनुकारी खरपतवार क्या होता है, भी खरपतवार पौधे जो बाहरी आकार में, इसका मतलब बाहर से, बाह्य आकार में फसलों के पौधों से मिलते जुलते दिखाई देते हैं, उन्हें पहचानना कैसा होता है कठिन होता है, वो क्या कहलाते हैं, नकलची खरपतवार कहलाते हैं। जैसे गेहूं की फसल में गेहूं सा, जैसे गेहूं की फसल में गेहूं सा और धान की फसल में सावा, धान की फसल में सावा, गेहूं की फसल में गेहूं सा, धान की फसल में सावा। देखो गेहूं सा होता है वो, उसका पौधा गेहूं के समान ही होता है, गेहूं का पौधा होता है वो किसके समान होता है, गेहूं सा के समान होता है। अब गेहूं सा होता है इसे हम गेहूं का मामा, जो गेहूं सा होता है ना, गेहूं सा इसे हम क्या कहते हैं भाई, गेहूं का मामा। ये मैंने पहले भी बताया था, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो फेलेरेस माइनर। क्या होता है, फेलेरेस माइनर होता है।
इसका टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम, 1000 बीजों का भार 2 ग्राम होता है और गेहूं का होता है भाई 40 ग्राम, ठीक है, ये बताया था इन्हें। और इसका जो गेहूं सा होता है, ये गेहूं की फसल होती है, इसी के समान इसका पौधा होता है, इसे पहचानना कठिन होता है। इसी प्रकार से धान की फसल में सांवा होता है, वो पौधा सांवा धान के समान ही होता है, इसलिए जिसके समान ये है, जैसे गेहूं सा गेहूं के समान है, इसी प्रकार से सांवा धान के समान है, तो ये कौन सा खरपतवार हो गया जिससे पहचानना कठिन होता है, नकलची खरपतवार कहलाता है ये, ठीक है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ लिखेंगे अवांछित खरपतवार, चौथा अवांछित खरपतवार, अवांछित खरपतवार, अवांछित खरपतवार क्या होता है, अब ये इसको देखेंगे। किसी फसल में अन्य किसी किस्म का, किसी फसल में अन्य किसी किस्म का पौधा बिना बोए उग आता है, देखो बोई तो हमने कोई फसल और कोई और किस्म बोई, लेकिन उसमें किसी अन्य किस्म का पौधा उगाता है, तो उसे अवांछित खरपतवार कहते हैं। बोए किसी फसल में अन्य किसी किस्म का पौधा बिना बोए उगाता है, तो उसे अवांछित खरपतवार कहते हैं। किसी फसल में अन्य किसी किस्म का पौधा बिना बोए उगाता है, तो उसे अवांछित खरपतवार कहते हैं। जिससे हमने बोई तो गेहूं की कोई और किस्म और उसमें उगाई दूसरी किस्म, तो वो क्या कहलाएगी भाई, अवांछित खरपतवार कहलाएगी। देखिए जैसे गेहूं की सोनालिका किस्म है, जैसे गेहूं की सोनालिका किस्म में लोकमान एक अवांछित खरपतवार है, किसमें लोकमान एक का उग आना अवांछित खरपतवार है। देखिए भाई, गेहूं की सोनालिका किस्म, ये हमारी फील्ड है, इसमें हमने गेहूं की कौन सी किस्म बोई, सोनालिका बोई। अब इसमें लोकमान एक का पौधा उगाता है, सोनालिका किस्म लोकमान एक का उगाना, लोकमान फर्स्ट का उगाना, गेहूं की सोनालिका किस्म है लोकमान फर्स्ट का उगाना अवांछित खरपतवार होता है। अब जैसे गेहूं की सोनालिका बोई हमने, इसमें कोई पौधा किसका हो गया है, ये लोकमान फर्स्ट का उगाया, तो ये क्या कहलाया हमारा, अवांछित खरपतवार कहलाया, अवांछित खरपतवार। जैसे हमने बोई लोकमान किस्म और उसमें क्या हो गई, सोनालिका की कोई भी पौधा उगाया, तो उसको हमने क्या कहा, अवांछित खरपतवार, ये हुआ अवांछित खरपतवार। इसके बाद में अगला आता है, पहले इसमें नोट डालेंगे, किसी फसल में से अवांछित खरपतवार, किसी फसल
किसी फसल में से अवांछित खरपतवार को उखाड़ कर बाहर निकालना। किसी फसल में से अवांछित खरपतवार को किसी फसल में से अवांछित खरपतवार को उखाड़ कर बाहर करना। किसी फसल में से अवांछित खरपतवार को उखाड़ कर बाहर करना रोगिंग कहलाता है। बाहर करना रोगिंग, ध्यान रखना, रोगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रोगिंग कहलाता है। उस पौधे को रोग्य कहते हैं। देखिए, किसी फसल में से अवांछित खरपतवार, कोई भी खरपतवार है, उसे उखाड़ करके हम बाहर करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो रोगिंग कहलाएगा। और वो पौधा जिसको उखाड़ के बाहर कर रहे हैं वो कहलाएगा रोग्य। क्या कहलाएगा? उस पौधे को क्या कहते हैं? रोग्य। अब लिखेंगे अगला, परजीवी खरपतवार, पांचवा। परजीवी खरपतवार परजीवी खरपतवार परजीवी खरपतवार पांचवा है। वे खरपतवार जो किसी फसल के पौधे के ऊपर वे खरपतवार जो किसी फसल के पौधों के ऊपर आश्रित होते हैं उन्हें परजीवी खरपतवार कहते हैं। वे खरपतवार जो किसी फसल के पौधों के ऊपर आश्रित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी खरपतवार कहते हैं। जैसे रिज के पार अमरबेल, रिजके की फसल होती है, उसके ऊपर अमरबेल छाई रहती है तो वो उसके ऊपर आश्रित है। तम्बाकू में ओरोबेंकी और बाजरा में स्ट्राइगा। ये ऐसे खरपतवार हैं जो इन फसलों के ऊपर आश्रित रहते हैं। वे खरपतवार जो किसी फसल के पौधों के ऊपर आश्रित होते हैं उन्हें परजीवी खरपतवार कहते हैं। जैसे रिजके पर अमरबेल, बाजरे पर क्या रहता है? बाजरे पर स्ट्राइगर, तम्बाकू पर ओरोबेंकी रहता है। अब ये हुआ हमारा वर्गीकरण खरपतवार फसल संबंध के आधार पर। अब इसके बाद में पत्तियों की बनावट के आधार पर अगला वर्गीकरण होगा भाई पत्तियों की बनावट
के आधार पर पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण। अब पत्तियों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे कितने प्रकार से होता है, इसको अगली वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए बताएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।